मेरा सवाल सभी पॉलिटिकल पार्टी से है, क्यों हम सब धार्मिक संस्कृति मानते हैं, धार्मिक विविधताएं मानते हैं, पर हम पहले क्यों भारतीय नहीं हो जाते? क्यों जरूरी है कि अजान और शिव चालीसा और हनुमान चालीसा पे उठ करके झगड़े होंगे? क्यों हम हमारे बच्चों को नहीं ये सांस्कृतिक धरोहर थमा पाते? क्यों एक माइंडसेट क्रिएट कर दिया जाता है कि वो अपने ही बुजुर्गों की इज्जत करना भूल जाएं सिर्फ इसलिए कि वो मान के चलें कि वो तो कंजर्वेटिव हैं? कंजर्वेटिव तो नहीं है, अपने धर्म को, अपने विश्वास को आगे रखना, उसको बढ़ाना सबका अधिकार है। अपने आप को बढ़ाएं पर दूसरे को छोटा तो मत कीजिए। प्रोफेसर साहब, आप ही की तरफ था कुछ इशारा इनका, बैठे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें देश की विभिन्नता में एकता की इज्जत करनी चाहिए, मेरा यही प्रश्न जी हो, चाहे वो ओबीसी साहब हो, चाहे ठीक है अगला सवाल हो। मेरा यही प्रश्न है, ये कड़वा है लेकिन सच है, आज भी हम धर्म के हिसाब से ही लोगों को देखते हैं। मेरा एक नॉर्मल बेसिक सा पॉइंट है, लोगों का अल्टीमेट गोल क्या होता है लाइफ में? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इंडेक्स में हम 149 पे 139 पोजीशन पे हैं। अगर हमारे देश में यही मसले होंगे हिंदू मुस्लिम वाले, तो हैप्पीनेस कहां से आएगी लोगों में? और जैसे वो दिन मैं कब देखना चाहता हूं कि ये हमारे सुनने में आए कि एक हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की का रेप कराया है, या मुस्लिम लड़के ने हिंदू का रेप कराया, ये हम कब कहेंगे कि रेप हुआ है? हम इस चीज में भी धर्म को क्यों ला रहे हैं? बिल्कुल, बहुत ही वाजिब बात कही है, बहुत ही वाजिब बात इन्होंने कही, और इन्होंने बड़ी बात कही। हैप्पीनेस बेटा, आज समझिए, 2000 हैप्पीनेस तो नौकरी से आती है। नहीं, वही तो कह रहे, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी कौन थी श्रीनगर में? मोस्ट एजुकेटेड, मोस्ट इकोनॉमिकली डेवलप्ड कश्मीरी पंडित, 6 महीने में साफ। 1947 में लाहौर में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कम्युनिटी, सारा बिजनेस कम्युनिटी हिंदू और सिख, 6 महीने में साफ। कराची में सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी सिंधी हिंदू, कोई नहीं बोलता। एक बार हम लोग शांत हो गए, अपने टर्न पे बोलिए, 6 महीने में साफ। इसलिए मैं कह रहा हूं, जितना पढ़ाई जरूरी है, जितना लिखाई जरूरी है, जितना कमाई जरूरी है, उतना गंदगी की धुलाई भी जरूरी है। शुभ्रांशु, मुझे क्रमबद्ध दो बातों का आंसर करना है। एक तो बंसल साहब ने थोड़ी देर पहले कहा था, पत्थर बिनने को मजबूर कर दिया, मैं लिखा हूं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार माँ बाप जब तक जिंदा हैं संपत्ति पर उनका अधिकार होता है। अगर किसी बच्चे ने कोई भी अपराध किया हो, किसी जाति धर्म संप्रदाय का हो, क्या उसकी गलती के लिए आप उसका घर उजाड़ दोगे? यहां बैठे सब लोग ये डिसाइड कर लीजिएगा कि जाने अनजाने में सबके बच्चों से कोई ना कोई गलती है, तो क्या? बोलने दीजिए अभी इनका जवाब। यहाँ ये अरे अरे महाशय, यहाँ आ जाइए, बिना माइक की आवाज नहीं जाएगी, गुस्सा मत दिखाइए, इधर आइए, बोलिए बोलिए, आइए, गलती और अपराध होता है, बोलिए बोलिए, माइक मत छुइए। ये सारा जानबूझ के किया गया है, और आप जैसे लोगों की वजह से किया गया है। आप लोग इनको इतना सपोर्ट करते हो कि जिसके लिए आप लोग 70 साल से इनको अनजाने में ऐसा सपोर्ट पीछे से करते चले आ रहे हैं, उसके हम लोग बहुत भोगी है। आप कहते हैं कि लोग हमें वोट नहीं देते, वो लोग इसलिए वोट नहीं देते हैं क्योंकि आप एक वर्ग विशेष को इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि दूसरे लोग एकदम बिल्कुल पत्ते से गायब हो जाते हैं। अब बैठ जाइए सर, बिल्कुल, अब इस पानी दीजिए इनको। मैं ये बात क्यों कहा, इसका मैं आपको उदाहरण से कनेक्ट करता हूँ। विकास दुबे अपराधी था, उसको अच्छा किया बस उलट गई, या बोलेरो उलट गई। मैं बार बार ये सोचता हूँ कि जिस लड़की का 2 दिन पहले खुशी दुबे की शादी हुई थी, जिसका अभी कक्कन तक नहीं छूटा था, उसका क्या प्लीज सर, आपने सवाल पूछ लिया, ऐसे मत कीजिए, उसका क्या कसूर था, क्या कानून वहां पे वो काम जो करना चाहिए वो कर रहा? एक पॉइंट ये था कि माँ बाप की पैतृक संपत्ति पे किसी को उनका घर द्वार मकान परिवार तोड़ने का हक नहीं है, चाहे वो किसी जाति धर्म संप्रदाय का। एक सेकंड बंसल जी, एक मिनट रुके रुके, प्लीज प्लीज। और दूसरा एक ना, मैं ऐसे ही सुबह सुबह चुकी चर्चा का विषय है चल रहा था, तो मेरे दिमाग में एक बात आई। इतिहास में ना 2-3 करेक्टर रहे हैं जो सबसे ज्यादा मशहूर था, औरंगजेब, गजनी, गोरी, जिन्होंने हमारे संस्कृति के मंदिरों को खूब तोड़ा था। आज तक इतिहास उनको माफ नहीं कर पाई और अभी भी वो गाली के पात्र बरकरार रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है इस देश की आवाम से कि क्या हमारा हिंदू धर्म इतना कमजोर हो गया है
कि 1 लाख बच्चों पे एक बच्चे का एडमिशन जेएनयू के अंदर होता है और उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चों का सौभाग्य होता है जिसको जेएनयू में एडमिशन मिलता है। हम कौन सा अनपढ़ गवार जाहिलपन का प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि हम अपनी बड़ी संस्कृति को और बड़ा करने की बजाय दूसरे के छोटे वाले या इर्द गिर्द को खराब करने में लगे हुए। ये प्रेम और ये मोहब्बत है। अगर दम है तो नौकरी देकर दिखाइए, दम है तो व्यापार बढ़ाकर दिखाइए, दम है तो GDP बढ़ाकर दिखाइए, लोग अपने आप खुश हो जाएंगे। लेकिन वो तो आप कर नहीं रहे हो। एक फिक्स एजेंडा, भैया तुमको पढ़ लिख रहे हो तो तुम्हारी नौकरी मैं नहीं लगने दूंगा क्योंकि कैंपस सिलेक्शन नहीं होगा, तुम हिंदू मुसलमान करो, एक दूसरे को गाली दो, एक दूसरे के साथ लड़ो। सवाल जल्दी जल्दी लेते हैं, बहुत सारे लोग। सारे धर्म पहले भी थे लेकिन अब इस पॉइंट पे आकर क्यों लगता है कि हिंदू जो धर्म है वो खतरे में है या अजान और हनुमान चालीसा का मुद्दा अब आ रहा है? तो ये आपको नहीं लगता कि जो आप अपनी स्पीचेस में बोलते हैं ये उसका ही सब किया धरा है? आपकी बातें इतना हो गई है, बिल्कुल सही है। आपका सवाल हो चुका है, जल्दी। सर मैम मेरा ये सवाल है कि ऐसे तो ये बोलते हैं सेकुलर है पर क्या बोलते हैं इलेक्शन टाइम के आने पे ये जनेवधारी पंडित बन जाते हैं, कश्मीरी ब्राह्मण बन जाते हैं, ऐसा क्यों? तो कौन कह रहा था? योगी जी कह रहे थे। रुक जाइए। नहीं, वो उनका राहुल गांधी पर इशारा है। शुभ्रांश जी जवाब देंगे जल्दी। राइट्स और रिलीजन के नाम पर ही पॉलिटिकल गेम क्यों खेला जाता है? ये आवाज डेवलपमेंट के टाइम पे क्यों नहीं निकलती जिससे आपको नौकरी ना देनी? मेरा क्वेश्चन है कि ये लोग लोगों को, आम आदमी को हक कब दिलवाएंगे? सिर्फ SC ST की बातें करने के अलावा लोगों के पास काम, एक आदमी जो 2 वक्त की शांति से रोटी खा पाए देश में कब होगा? कौन SC ST की बात करता है? हर पार्टी SC ST रिलीजन के लिए विक्टिम कार्ड खेलती है। जल्दी जल्दी आई। आप लोग हर समय हिंदू मुस्लिम हो, कोई भी बात हो, यही सब मुद्दा चलता रहता है। आप ये क्यों नहीं सोचते हिंदू मुस्लिम हर समय चलता रहा तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, हमारा जो युवा है, यहाँ पे हम कॉलेज स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनके बीच में कितने मतभेद और भेदभाव आने लगेंगे? आप आज तक में आए तो आप आज की बात क्यों नहीं सुलझाते? बेटा दे डू नॉट वांट साइंटिफिक टेम्परामेंट। एक सेकेंड सर, आप एकता की बात कर रहे हो और आपने आते ही जय श्री राम का नारा लगाया। आपको पता है यहाँ बैठे कितने भाई बहन हमारे हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, और उसके बाद अखंड भारत और एकता की बात, आप बंटवारे का इल्जाम उन पर लगा रहे हो। जय श्री राम बंटवारे का स्लोगन नहीं है, जय श्री राम का नारा लगाया, जय श्री राम यूनिटी का स्लोगन है। अशोक गहलोत जी का एक ट्वीट है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से पुनः अपील करता हूँ कि देश में बढ़ रहे सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए आप राष्ट्र के नाम संदेश दें एवं धर्म के नाम पर उपद्रव कर रहे शरारती तत्वों पर कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को निर्देशित करें। जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपना मौन तोड़े इस पर। ये कितनी हास्यास्पद बात है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, वो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए बल्कि अपने द्वारा किए गए अन्याय को छुपाने के लिए एक राजनीतिक बयान देता है। अशोक गहलोत बता दें संविधान की शपथ लेकर बैठे हैं, लॉ एंड ऑर्डर इज द स्टेट सब्जेक्ट और सेंट्रल सब्जेक्ट, उसके बाद जवाब दें। दूसरा मैं जवाब देता हूं, अभी हमारे मित्र ने बोला कि माता पिता की आवास पे बच्चे को क्यों कर दिया गया, उससे पिछले वाले बयान में क्या बोले थे, PM आवास का घर था। तो पहले कहिए मैं PM आवास वाला घर नहीं था, मैं उसकी माफी मांगता हूं, और वो उसके माता पिता का घर था, अब मैं उसका जवाब देता हूं। PM आवास वाला घर माता के नाम पे ही अलॉटेड था। अगर आपका बच्चा कुछ गलती करे मैं आपका घर तोड़ूं, आप कहना चाह रहे हैं? अब आप बोल रहे हैं गलत, देखिए ऐसा ना, आप पढ़े लिखे हैं कम से कम, बाकी जो अनपढ़ गवार है जिनको नहीं पता, आप तो फैक्ट बताइए। कानून क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सारा कुछ आप अपने हाथ से फैसला। प्लीज प्लीज, कोई जाके रिवाइंड करके देख ले, इन्होंने बोला था CM ने PM का मकान गिराया और आप कह रहे हैं आपका मकान है, फिर क्या तरीका भाई मुझे बोलने है? नहीं गलत बात कर रहे साहब, मैं मौका दूंगी ना आपको, प्लीज अपने अपने टर्न पे बोलिए भाई। हाँ, और मगर पैतृक PM का आवास गिरने की और बेटे के द्वारा उसको नष्ट कर देने की जो पीड़ा है, वो मैं इनके उस पीड़ा में इनके साथ हूं, क्योंकि पैतृक संपत्ति इन्हीं के बेटे ने सब निपटा दी है, पूरे PM आवास वाली जो थी। अब मैं ये कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा गौरी गजनी औरंगजेब बहुत आपके जमाने में जलवाए जलाल से दिल्ली की सड़कों पे उसके नाम थे, आप कहते हैं कि वो उनके अगेंस्ट में किया जा रहा था। अब इन्होंने एक ने प्रश्न पूछा कि आज की डेट में हम ऐसा क्यों नहीं कहते हिंदू हैं, कौन सा फर्क पड़ जाता है? आजादी के बाद 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, नहीं तो डाटा चेक कर लीजिएगा 1905 में जब बंगाल का डिवीजन हुआ था। हिंदू खतरे में अब देश। अरे सुनिए मेरी पूरी बात,
1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, यानी बांग्लादेश भी बंगाल का पार्ट था, तब कॉन्फ़िगरेशन जानते क्या था? अनडिवाइडेड बंगाल में 1/3 मुस्लिम 2/3 हिंदू। आज जाके अनडिवाइडेड बंगाल देख लीजिए, इन 100 इयर्स इट इज 2/3 मुस्लिम 1/3 हिंदू। उसके बाद आप कहते हैं खतरा नजर नहीं आता। देश में 20 ऐसे जिले हो चुके हैं जहां 90%, और उसमें भी कोई बुराई नहीं, मगर तो क्या करें, पत्थरबाजी करें? सुनिए तो क्या करें, लड़ाई झगड़ा करें? वो बच्ची पूछ रही है कि भेदभाव हो गया है कॉलेज में, हम एक दूसरे के साथ कैसे रहें, लोगों के मन में एक दूसरे को लेकर शक पैदा कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, जिसने नहीं पढ़ा हो उसके बाद भाई एक मिनट, ये जो बोल रहे हैं मैं बता रहा हूँ पढ़ने की बात। जो लोग ये कहते हैं, जब आप उस सोच को बढ़ावा देते हैं जिसमें ये कहा गया है, जब जाकिर मूसा कहता है कि ये कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं, इस्लामी खलीफत की लड़ाई, और आपको पता है एज पर देयर रिलीजियस बिलीफ पूरी दुनिया में मुस्लिमों की एक ही हुकूमत हो सकती है और वो है खलीफत, बाकी हुकूमतें नाजायज हैं और उन्हें बर्बाद करना आपका दीनी फरीजा है। उसके हिसाब से जदीद कौमी मेरे सवाल का जवाब ही नहीं देते, आप क्वेश्चन पेपर ही बदल देते हैं, क्वेश्चन पेपर ही पलट के फेंक देते हैं, नया क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं। एक आई चैलेंज यू, अगर कोई ये याद है इन्हें वो सारे नाम याद है, क्या डिस्टरबेंस कर रहा है, अगर सारे मेहमान से सब में बोल देते हैं, इससे पहले भी एक शो हुआ था, किसी ने एक दूसरे के ऊपर नहीं चिल्लाया था, इन्हें हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बता रहे हैं। देखिए आपने 70 साल की बात की थी ना, 70 साल बाद पहला ऐसा एक पूत आया है हमारे गाँव में। एक कहावत होती थी हमारे दादा ने, हमें सिखाया है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। और आज हमारे देश का ऐसा पूत आ गया है, आज हमारे देश में एक ऐसा पूत आ गया है कि आपको बहकाने के लिए ये दो बैठा दिए हैं, और वो हमें बोले भेजो एयर इंडिया से, LIC से, रेलवे से, इंश्योरेंस से, सारी चीज क्या कर रहे हैं। चलिए प्रोफेसर साहब, आप तो प्रोफेसर हैं, अच्छा बताइए, एक मुस्लिम साइंटिस्ट जिसको कि फंडामेंटल साइंस का नोबेल पुरस्कार मिला हो, नाम बताइए। मुझे नहीं पता प्रोफेसर साहब को, आप सुनिए, अब मैं बता रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ, भाई बोलने दीजिए सर, अभी क्या तरीका हर बात में डिस्टर्बेंस। यही मैं कहना चाहता हूँ, किसी मुस्लिम से पूछिए, उसे नहीं पता होता कि अब्दुल समद को 1973 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था, पाकिस्तान के थे, अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, मगर ये सब के सब आलमे इस्लाम में डॉक्टर कलाम से बड़ा साइंटिस्ट नहीं पैदा हुआ, पर एक सेक्युलरिज्म का सुरमा नहीं गया। डॉक्टर कलाम के नमाज जनाजा में सब किस में जाते, बुरहान वानी, अफजल गुरु, याकूब मेनन, इशरत जहां, और उसके बाद कहते हैं एजेंडा हम सेट कर रहे हैं।